मैं गया अंदर, ब्रिगेडियर साहब कमांडर थे, बाद में वो लेफ्टिनेंट जनरल हुए, बाद जनरल बहादुर शेर, बहुत ही मशहूर जनरल थे, सिंगल थे और उनकी सारी लाइफ ही जो थी ना डेडिकेटेड थी। तो मुझे याद है अभी तक उन्होंने मुझे पहला सवाल किया, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी, यू आर डूइंग, मैं इंग्लिश मैन का, यस सर, कहता व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी। अब मुझे एक मेरे अंदर जज्बा था लेकिन मैंने कभी इसका जवाब नहीं सोचा था, लेकिन मैंने उसको जवाब दिया कि बिकॉज आई वॉन्ट टू डाई द बेस्ट पॉसिबल डेथ। सो कहते हैं बेस्ट पॉसिबल डेथ, मैं कह यस सर। तो कहते व्हाट हैपेंड, व्हाट हाउ डू यू केम टू दिस आइडिया। सो मैंने उसे कहा, मैं कहा एक्चुअली देर वर सम डेथ्स एंड आई हैड टू अटेंड द फ्यूनरल एंड व्हेन आई सॉ देम गोइंग डाउन इनटू द अर्थ इन द ग्रेव दे आर बीइंग बरेड द डेड बॉडीज, तो इट केम टू माई माइंड दैट डेथ हैज़ टू कम सूनर और लेटर। सो इफ एट ऑल इट हैज़ टू कम देन वाई नॉट ट्राई टू डाई द बेस्ट पॉसिबल डेथ एंड दैट इज़ शहादत। तो मैंने देखा ब्रिगेडियर साहब के भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं चूँकि लिटरेचर का स्टूडेंट था, मैंने इसको बड़ी लिटरेरी वर्ड्स में और उसी तरह ड्रामा के अंदाज में कहा जो नेचुरल था मेरे हिसाब से, मेरे मैंने कोई सोच के नहीं कहा था। और मैं जो ही बाहर निकला तो सेक्रेटरी जो थे उसके वो मेजर साहब एक पीछे पीछे दौड़ते हुए आए, पाँच एक मिनट बाद जब उन्होंने अपना रिजल्ट वगैरह मुरतब किया और उन्होंने मुझे कहा कि आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे टू यू द मैसेज ऑफ ब्रिगेडियर हु इज़ द चेयरमैन। मैं कहा सर यस। अच्छा मैं सोचता था मेरा कद भी छोटा है और ये तो मुझे करेंगे तो नहीं, लेकिन मैंने कहा जज्बा इतना है कि अप्लाई करो। तो उसने मुझे कहा कि ब्रिगेडियर साहब ने मैसेज दिया है कि इफ़ वी वर टू सिलेक्ट वन पर्सन आउट ऑफ दिस क्राउड You would have been that one person. तो वो मेरे लिए बड़े फख्र की बात थी। उसके बाद ना मैंने घर वालों को भी इतला नहीं दी हुई थी, घर वालों को इसे पता चला कि इसने फौज में अप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा भाई तुम्हें भेजा था CSS एग्ज़ाम दोगे, तुम ये दोगे, ये तुमने क्या किया।